सिंगल्स में एग्जाम्पल फोर ले रहे हैं, एनसीईआरटी का ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो ये है पी क्यू, ये पैरेलल है आर एस के, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया। वैसे तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट नहीं बोल रहा, तो गिवन टू प्रूव लिखने का मतलब नहीं है, बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए और अपने क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया कि क्या गिवन है। ये गिवन है, और मुझे क्या गिवन है, एम एक्स क्यू जो है 135 डिग्री, ये वाला एंगल 135 डिग्री है, और एम वाई आर यानी ये वाला एंगल, तो एंगल एम वाई आर इज 40 डिग्री। तो मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स एम वाई, एक्स एम और वाई, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, ऐसे एक लाइन ले लेंगे, ये हमने एक लाइन ले ली है, हमने इसको नेम कर लिया एक्स वाई। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। तो अगर वो पी क्यू के पैरेलल है तो आर एस के भी होगा, और पैरेलल टू आर एस, क्योंकि ये दोनों पहले से ही हमें गिवन है कि पैरेलल हैं। तो अब पैरेलल है तो अब क्या, अब हमने यहाँ पर नेमिंग कर लिया कि ये एंगल वन है और ये एंगल टू, तो वन और टू दोनों को प्लस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव है एंगल वन निकालना। तो एंगल वन निकालने के लिए मेरी अप्रोच ये रहेगी कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में अगर ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी, एक्स वाई, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल है। तो बस इसी को अप्लाई किया प्रूफ में। प्रूफ क्या, सॉल्यूशन लिखो, प्रूफ तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ लिखा सॉल्यूशन में कि एंगल वन प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180, रीज़न को इंटीरियर एंगल्स, और बल्कि और डायरेक्ट 135 लिखने से बेटर है कि आप ये लिखो एंगल वन प्लस एम क्यू और एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अब वैल्यू डाल लिया, दिस इज़ 135 एंड इज इक्वल टू 180। तो 135 राइट साइड पे ले जाएंगे तो एंगल वन मिल जाएगा मुझे, क्या होगा 180 माइनस 135, तो कितना आएगा, ये 5 हो गया, 7 माइनस 3 4 45 आ गया। तो एंगल वन आ गया 45 डिग्री का। अब मेरी अप्रोच टू को निकालने के लिए क्या रहेगी, फिर से देखो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो फिर से हमने बोला जैसे ये दो लाइन है, तो इस बार ये वाला एंगल है एक, ठीक है, और बल्कि अगर हम इसको फिगर को एग्जैक्टली उसी तरह से बनाएं तो ऐसे है फिगर, कुछ इस तरह से है। तो एक एंगल ये है 40 डिग्री और ये है एंगल टू, तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल कब लगते हैं, जब दो लाइन पैरेलल गिवन है, तो हमें पता है दोनों लाइन पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल्टरनेट एंगल से एंगल टू इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, रीज़न लिख लेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल टू मेरा कितना निकला, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है 40 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना क्वेश्चन में निकालना है एक्स एम वाई, तो एंगल एक्स एम वाई किसके इक्वल है, एंगल वन प्लस एंगल टू के, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल वन प्लस टू के इक्वल है। तो वन मेरा कितना निकला था 45 और टू कितना है 40, तो दोनों को प्लस किया तो फाइनली आंसर इज़ 85 डिग्री, ये मेरा आंसर आ गया।
ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन एग्जांपल सिक्स। तो एग्जांपल सिक्स में ये फिगर है, तो फिगर में हमें दे रखा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। तो फिर से क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिख लिया ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो पैरेलल है तो उस पैरेलल की जो भी कंडीशंस होती हैं वो लग जाएंगी, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम उसको लगा सकते हैं क्योंकि पैरेलल गिवन है। और क्या दिया है, सी डी पैरेलल है इसके, ई एफ के। तो ये भी लिख लिया कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये हमें गिवन है। और ये वाला एंगल 55, तो उसको ज़रा ध्यान से देखना कौन सा एंगल है, बी ई एफ। तो बी ई एफ हाईलाइट करें तो बी ये है, ई ये है और एफ ये है, यानी ये वाला एंगल है 55 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड मुझे एक्स वाई जेड करना है। तो अब अगर आप इसको मैं ब्रेक करूं, पहले मैंने दो लाइनें खींची, कौन सी, सी डी खींची यहाँ पर और ई एफ को खींचा, ठीक है, और ऐसे एक लाइन खींच दी। तो अब 55 डिग्री हाईलाइट करो पैरेलल लाइन से यहाँ तक। तो हमेशा जब भी अल्टरनेट एंगल या जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह पकड़ते हैं तो उसको पकड़ने के लिए तरीका हमेशा आप ये देखो कि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक एंगल आ रहा है क्या। तो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक एंगल आ रहा है, यस 55 डिग्री। तो ये मेरा 55 है, ठीक है, ये वाला एंगल 55 है और यहाँ पर लिखा है वाई। तो ये कैसे है, ये पैरेलल लाइन के बीच के सेम साइड, यानी को इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा इसी का इस्तेमाल करके वाई निकाल लूँगा। तो क्या बोलूँगा, एंगल वाई प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आ जाएगा, रीज़न आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से वाई आ गया मेरा सीधा सीधा 180 माइनस बी ई एफ, और बी ई एफ मुझे कितना दे रखा है, बी ई एफ मुझे दे रखा है 55 है। तो इसको माइनस किया तो 10 माइनस 5 5 और 7 माइनस 5 2, तो 125 डिग्री आ गया। ठीक है, तो वाई मुझे मिल गया, एक आंसर आ गया। इसके बाद मुझे निकालना है एंगल एक्स। तो अब एक्स के लिए फिर से मैंने ये खींची, इस बार ये ए बी है और ये मैंने बोला सी डी है और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये मैं अलग से इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये एंगल देखो, ये है एक्स और ये एंगल क्या है, वाई। तो अब आप इजीली विजुलाइज़ कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो फिर से हमेशा जब भी एंगल देखेंगे तो हमेशा आपने देखना है कि पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंप्लीट तभी होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल वाई के। रीज़न लिख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल वाई हम पहले निकाल चुके हैं कितना है, 125 डिग्री। तो एक्स भी आ गया मेरा 125 डिग्री। ठीक है, अब सिर्फ रह गया जेड। तो जेड के लिए आप ये देखो, इस क्वेश्चन में ये निशान लगा रखा है, इस निशान का मतलब होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यानी एंगल ए मुझे दे रखा है कि इट इज़ 90 डिग्री। तो मैं फिर से दो लाइन खींचता हूँ ऐसे, एक ये है और एक ये है। तो ये मैंने बोला ए बी है और इस बार इसको मैंने बोला ये ई एफ है, ठीक है, और इस बार मैं इसको ले रहा हूँ, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल पूरा का पूरा कितना होगा, ये होगा ये प्लस ये, यानी इसको हम ब्रेक करें तो ये जेड है और यहाँ पर 55 है। तो ये पूरा का पूरा दोनों का सम होगा, जेड प्लस 55। तो आप ये देखो, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो इस ट्रांसवर्सल से, मतलब पैरेलल लाइन से, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक ये एंगल है और पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक ये एंगल है। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दोनों का सम फिर से 180। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एंगल बी ए ई प्लस एंगल एफ ई
ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स, तो बी ए ई तो 90 डिग्री है। वैसे तो क्वेश्चन में बोलना चाहिए यहाँ कहीं मेंशन, अच्छा ये मेंशनड है, ये भी हमें गिवन है कि ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, तो ये है ई ए, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये 90 डिग्री है। और एफ ई ए, एफ ई ए का मतलब हो गया एंगल जेड प्लस 55 डिग्री इज 180, तो यहाँ से जेड निकल जाएगा, कितना आएगा 180 माइनस 90 माइनस 55, तो 180 माइनस 90 तो हो गया 90 माइनस 55, तो इनको माइनस किया तो कितना आया 10 माइनस 5 5 हो गया, और 8 माइनस 5 3 हो गया 35 डिग्री, तो ये मेरा जेड आ गया, बस ख़त्म। तो तीनों ही एंगल मुझे मिल गए, तो मैंने इसको तीन पार्ट में 1, 2, 3 अलग अलग फिगर बना करके एक्सप्लेन किया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर से पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सीधा सीधा बोल रहा है कि एक्स निकालो और वाई निकालो, फिगर से देख लो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल उसने कुछ नहीं बोला है कि एक तो क्या बोला, उसने बोला एक्स निकालो वाई निकालो, निकालना क्या है सिर्फ वो बोला है, एक्स और वाई निकालो और ये भी शो करो। तो इसका मतलब जब वो बोल रहा है कि ये शो करो, तो इसका मतलब ये है कि ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के। कई बार हम फिगर देखते हैं, फिगर से हमें लग रहा है साफ साफ कि ये पैरेलल है, तो हम अल्टरनेट एंगल को इंटीरियर वो सब हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तो मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, यानी गिवन नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मुझे पैरेलल वाली कंडीशन यूज़ नहीं करनी है, फिर से बोल रहा हूँ। तो ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर तो है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये मेरा एक एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं मेरे दो, ठीक है, ये कॉमन आर्म हो गया। तो हमने बोला कि 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न क्या आ गया लीनियर पेयर आ गया। तो अब यहाँ से मेरा एक्स निकला 180 माइनस 50, जो कि कितना आ गया 130 डिग्री आ गया, तो एक्स तो मेरा निकल गया, ठीक है। फिर वाई निकालने के लिए ये एंगल इसके इक्वल है, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वाई भी बहुत सिंपल स्ट्रेट अवे आ गया, किसके क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक्स आ गया वाई आ गया, तो दो आंसर तो आ गए। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पैरेलल प्रूव करना है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है 130, और वाई का वैल्यू क्या है 130, तो ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम ये कह देते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ये कन्वर्स था, तो उसी को अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, क्यों, क्योंकि 130 डिग्री है ईच, ठीक है, और उसके नीचे लिख लिया विच इज़ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी बाई कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम, उससे हमने बोल दिया, बस ख़त्म, ये आंसर आ गया।